अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज सबसे पहले तो दुरूद सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पे। और आज जैसा कि देखें, आज बच्चे बड़े शोर कर रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं और बहुत शोर कर रहे हैं। प्लाजा के ना दूसरे बच्चे भी आए हुए हैं छोटे छोटे, और के भी आया हूँ इनको कि शोर नहीं करो, तो फिर भी शोर कर रहे हैं। थोड़ा इनको बोलो कि आवाज़ नहीं करें, बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये बच्चे खेल रहे हैं। आज हम ट्राई करने लगे हैं फूड रेसिपी है, फूड फ्यूजन की है ना एक रेसिपी है, टिक्का कढ़ाई। तो बोर्ची स्टाइल टिक्का कढ़ाई फूड फ्यूजन की रेसिपी आज तैयार कर उसको बनाने लगा हूँ। तो कुछ काम कर चुका था मैं, तो है ना उसके बाद मैंने बोला कि अभी उस टाइम पे थोड़ा मोबाइल मेरा चार्ज हो रहा था, तो ब्लॉग कैसे बनाया जाए, तो ना अभी मैंने बोला कि चलो स्टार्ट कर देते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम मैंने कर लिया है और बकाया काम करना है। आए जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि ये प्याज है ना मैंने छोटी सी ऑमलेट स्टाइल जो होती है वो चॉप करके काट के वो उसको मैंने फ्राई कर लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था। उसके बाद मैंने उसमें ये ज़ीरा डाल दिया, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से टमाटर डाल के इनको अच्छी तरह पका के, टमाटर जब मैश हो गए और प्याज जब मैश हो गई इस तरीके से, फिर इसमें दूसरे मसाले जो होते हैं लाल मिर्च वगैरह और अपने हिसाब से जो अभी आप डालना चाहें वो मैंने डाल के, ये मकसद की ग्रेवी रेडी हो गई है। ये मैंने रेडी करके रख दी थी। अभी ये हल्की आंच पे मैंने ऑयल लगा दिया है। अभी ये चिकन मैरिनेट करके मैंने ये रख दिया था फ्रिज में, तो ये अभी मैरिनेट अच्छी तरह हो गया है माशाल्लाह से। ये आप देखें, अभी इनको फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद फिर ये जाएगा उसमें, फ्राई होने के बाद मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तो आते हैं प्रोसेस करते हैं, आपको दिखाते हैं व्यूअर्स। इसके अंदर जो है मैरिनेशन में दही डाली थी मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और नमक और लाल मिर्ची और जो टिक्का मसाला वो डाला था मैंने, और इसमें थोड़ा सा एक चम्मच इसमें मैंने बेसन ऐड किया था, ठीक है। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटे के बाद फ्रिज में से मैंने अभी निकाला है, अभी इसको फ्राई करेंगे। और लेमन इसके अंदर एक लेमन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था ना जूस उसका, ठीक है। तो अभी ये मैरिनेट अच्छी तरह हो गया है, अभी इसको मैं फ्राई करूँगा। तो फ्राई करने के बाद जो पोजीशन होगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स। ये इस तरीके से इसको मैं फ्राई करने लगा हूँ। अब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इनको फिर मैं मसाले में ऐड करेंगे हम। बस ये फ्राई हो गए थे, तो अभी ये अभी कोयला जो है उसको गर्म करके अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के और एकदम से इसको ढक्कन लगा देंगे, क्योंकि कोयले की स्टीम आ जाएगी तो बारबेक्यू फ्लेवर इसमें ज़बरदस्त किस्म से आ जाएगा ना। तो अभी ये इसको हमने ढक दिया है, देखिए धुआं निकल रहा है मज़े से, और ये मसाला भी हमारा रेडी है। तो ये मसाला थोड़ा सा भी गर्म हो जाए और इधर ये स्टीम फ्लेवर आ जाए, तो फिर इसको हम इसमें ऐड करेंगे ना, वो भी आपको मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है फूड फ्यूजन वालों की, और ना ये लास्ट भी ट्राई कीजिएगा, और हमने भी आज ट्राई किए और माशाल्लाह से अच्छी बनी है व्यूअर्स। अभी ये टिक्का जो है पीस ज़बरदस्त है ना, ये स्टीम हो गए हैं, टिक्का फ्लेवर आ गया है इनमें। अभी इनको मसाला जो ये हमने रेडी किया था उसके अंदर ऐड करके और उसको छोड़ देंगे थोड़ी देर। देखें कितनी ज़बरदस्त,
अभी ये थोड़ी देर हम छोड़ेंगे, उसके बाद जब ये डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाते हैं। बस अभी इसमें ऊपर से प्याज और ये हरी मिर्च ये हमने ऐड कर दिए। अभी इसको हल्की आंच पे दम पे लगा देंगे और धनिया भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो अभी धनिया डाल के इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये प्याज भी नरम हो जाएगी। और अभी है ना धनिया जो है हरी धनिया वो ऐड करने लगे हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये अभी मैं धनिया भी ऐड करने लगा हूँ, ये आप देखें। ये धनिया भी आ गई, इसमें ऐड हो गई। अभी इसको हम मिक्स करके अच्छी तरह तो माशाल्लाह से VIP अभी इसको हम लगा देंगे ढक्कन और इसको हम छोड़ देंगे हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए। व्यूअर्स, ये माशाल्लाह से हमारी बोर्ची स्टाइल टिक्का कढ़ाई माशाल्लाह से रेडी होके डिश आउट होके आ गई है सामने, और बहुत ही टेस्टी और बड़ी क्लासिकल बनी है रेसिपी। बहुत आसान और बहुत ही अच्छी है रेसिपी थी। और ये नान इसके साथ, और ये अचार तो वैसे ही होता है खाने में हर खाने के साथ, तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। ये फूड फ्यूजन वालों की रेसिपी है, वहाँ से हमने उठाई है। अब ना आज बनाइए तो आज टेस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको डिनर करने के बाद आपको बताते हैं कि कैसी बन रही है हमारी ये रेसिपी। आप भी ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, हमें बताइएगा कमेंट्स में। चलें मिलते हैं डिनर के बाद। व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारा डिनर हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और असम बनी थी बोर्ची टिक्का कढ़ाई। तो हमने अपना डिनर किया और बहुत इंजॉय किया, और माशाल्लाह से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और ज़बरदस्त रेसिपी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये फूड फ्यूजन वालों की रेसिपी हमने उनके चैनल से उठाई थी, तो वो ट्राई की थी आज, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग? व्यूवर्स, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।